कौन रहा है? अरे तो तुझे दे ही कौन रहा है, जितने पैसे मैं तुझे देता हूँ सारे के सारे वहाँ बाजार में जाके फूंक देती है। क्या खरीद के लाई है आज? अरे खरीदती तो वो चड्डा की बीवी है, आज पूरे 5,000 की शॉपिंग की है। 5,000 की शॉपिंग? अरे वो 1,000 रुपया तो चड्डा मुझसे लेके गया था उधार, आज तक उसने वापस नहीं किया, तो बीवी उसकी 5,000 रुपए की शॉपिंग कैसे करती है? क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड? वो उधार वाला कार्ड? हाँ, बाद में पैसे दे देती है। अच्छा, तो उधारी पे जिंदा है। मेरी मानो तो तुम भी 2-3 क्रेडिट कार्ड ले लो, आजकल ना नई नई स्कीम्स निकली है। मुसद्दीलाल का एक विचार, आज नकद कल उधार, मैं नकद में विश्वास रखता हूँ। अरे क्रेडिट कार्ड तो उधार देने के लिए है। अच्छा, मतलब सामने से उधार मिलता है? हाँ। तो ठीक है, मैंने अपना विचार बदल दिया, आज ही जाता हूँ मैं कंगाल बैंक और क्रेडिट कार्ड लेके आता हूँ। कंगाल बैंक? हाँ, नया फॉरेन बैंक खुला है, कंगाल बैंक। हाँ भाई साहब, उधार पे दुनिया जिंदा है, बड़े बड़े देश उधार दे करके सुधार ला रहे हैं, इसलिए हम क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप एक क्रेडिट कार्ड लें तो आपकी बीवी को एक क्रेडिट कार्ड फ्री मिले। अच्छा जी हाँ। पटेल प्यारे। जी सर। ले जाइए इनको। आई। धन्यवाद जी। धन्यवाद। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये मुझे वो मिलना था जी कार्ड के लिए। सिर्फ मिलना था कि लेना भी था? नहीं, मिलूंगा तो लूंगा ना। देखो, लोगे तो ही मिलोगे। नहीं, नहीं, मिलूंगा ना। तो मिलो। किससे? शुक्ला जी से। कहाँ है? वहाँ। ये, अच्छा, हाँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर शुक्ला। जी। ये वो मैं मुसद्दीलाल गजवानी। बोलिए मिस्टर मुसद्दीलाल गजवानी, बैठिए, हम आपको क्या खिदमत कर सकते हैं? मैंने अखबार में वो एड पढ़ा था के एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। हाँ हाँ, जो लेना है? जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, मुसद्दीलाल आडवाणी, आपको क्रेडिट कार्ड का मतलब समझते ही होंगे? जी हाँ, जब आप सामान उधार खरीद सकें। जी बिल्कुल सही। देखिए, वो जमाना बिल्कुल अलग था जब आप उधार लेते समय शर्म करते थे, आज तो जमाना ये है कि उधार देते समय शर्माते हैं लोग। जी हाँ, तो उधार लेना कोई बुरी बात नहीं। तो मुसद्दीलाल गजवानी, क्या नाम है आपका? मुसद्दीलाल गजवानी नाम है मेरा। जी 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 जी, क्या काम क्या करते हैं आप? ये बिजनेस है। अच्छा अच्छा, ओके। मुसद्दीलाल गजवानी, आप कौन सा स्कीम लेना पसंद करेंगे, क्रेडिट यू या क्रेडिट मी? ये क्रेडिट यू क्या है और क्रेडिट मी क्या है? देखिए, क्रेडिट यू में आप हमसे उधार लेंगे। अच्छा, और क्रेडिट मी में? क्रेडिट मी में हम आपसे उधार लेंगे। नहीं नहीं, मैं तो क्रेडिट यू ही लूंगा। क्रेडिट मी आपको फ्री मिल जाएगा। हाँ, मतलब क्रेडिट यू आपके लिए और क्रेडिट मी आपके वाइफ के लिए। पर मैं आपसे क्रेडिट ले सकता हूँ ना? हाँ, और आपकी वाइफ आपसे ले सकती है। उसको मैं पैसे दूंगा नहीं तो वो मुझसे पैसे कैसे लेगी? हम देंगे ना आपके क्रेडिट अकाउंट पर। मतलब ये भी एक तरह का क्रेडिट यू ही हुआ ना। गुड। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? इंटर तक। लगता नहीं है। अच्छा, लगता है कि हमने BA DLS सब साफ है। हाँ, तो आप एक काम कीजिए, फॉर्म भर दीजिए। ये फॉर्म कहाँ है? पटेल प्यारे। जी सर। साहब का जरा फॉर्म भरवा दो। वो क्रेडिट यू, क्रेडिट मी तो हम फ्री दे देंगे ना। आई। थैंक यू। नमस्ते जी। हेलो। हाँ, क्रेडिट कार्ड खो गया? ओ गुड गुड माइकल लाल। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा? अरे सुनाई नहीं दे रहा तो कहाँ से कैंसिल कर दे? अरे सुनाई पड़ जाता है तो कैंसिल करना पड़ता ना, कैंसिल कर देता तो बिल कहाँ से बचता? ये लीजिए फॉर्म। जी थैंक यू। तो क्रेडिट रहा 100 रुपए, कैश दीजिए। क्यों? फॉर्म फीस। नहीं, फॉर्म तो फ्री मिलना चाहिए ना। नहीं नहीं सर, यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलता। लाइए। अच्छा अच्छा, ये लीजिए 100 रुपए। अब ये भरना कैसे है? पेन से। पेन है? हाँ, पेन तो है मेरे पास, लेकिन मुझे भरना नहीं आता तो आप मैं इतना पढ़ा लिखा होता तो मैं चकाचक बन के आता यहाँ क्रेडिट कार्ड लेने, और आप इन कपड़ों में फॉर्म दे रहे हो तुम्हें। है जी? कुछ नहीं, वो पांडे जी बैठे हैं ना, वो आपको हेल्प करेंगे। पांडे जी? हाँ, ये पांडे जी ना चाय पी रहे ना। वो जो चाय पी रहे हैं? हाँ, सेम। थैंक यू। पांडे जी। जी जी, एक फॉर्म भरवाना था, जरा प्लीज भर दीजिए। क्रेडिट कार्ड बनवाना है? जी हाँ। बन जाएगा? एक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मैं फॉर्म भर देता हूँ, आपसे जो जो पूछा जाए वो सच सच बताइए। जी। नाम? नाम मुसद्दीलाल गजवानी। फादर नेम? मुसद्दीलाल गजवानी सीनियर। वाइफ नेम? बेबो। बेबो बबीता, बबीतो गजवानी। एड्रेस? 13/13 शास्त्री नगर। काम क्या करते हैं? जी पापड़ बेचता हूँ। महीने में कितने की शॉपिंग करते हैं? 200-300 रुपए की कर लेता हूँ। क्या? हाँ जी। तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ेगी क्रेडिट लेने की? क्रेडिट तो हमें लेना चाहिए आपसे। फ्रेंकली वो वाइफ इंसिस्ट कर रही थी, अब मैंने भी सोचा कि उधार कौन सा देना है, उधार लेना ही तो है, तो ठीक है बनवा लेते हैं क्रेडिट कार्ड। डोंट वरी, क्रेडिट कार्ड बनने के बाद अच्छे अच्छे लोग शॉपिंग करने लग जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप यहाँ 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 साइन कर दीजिए, बाकी फॉर्मेलिटी मैं अपने आप पूरी कर लूँगा। जी ठीक है। ये मुसद्दीलाल गजवानी, मुसद्दीलाल गजवानी, मुसद्दीलाल गजवानी, ये लीजिए सर। ओके, तो आप कल आके अपना क्रेडिट कार्ड ले जाऊं?
नहीं, 5,000 रुपए फीस जमा करा दीजिए प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग फीस? अरे भाई डॉक्यूमेंट्स बनेंगे ना, पेपर बनेंगे, इसलिए प्रोसेसिंग फीस ली जा रही है। नहीं नहीं पांडे जी, 5,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है, थोड़े कम कर दीजिए। देखिए अगर आप पिछले हफ्ते आए होते ना तो 50% में काम हो जाता, इस हफ्ते फीस बढ़ा दी गई है। नहीं नहीं, अब भी 50% में कर दीजिए, बैक डेट में डाल दीजिए। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं नहीं, आप कोशिश कीजिए, मुझे पता है आपसे होगा। ओके, मैं कोशिश करूंगा लेकिन ये होगा नहीं। नहीं आप कोशिश कीजिए, होगा, जरूर होगा। अरे मेरे अकेले की कोशिश करने थोड़ी कुछ हो जाएगा। तो थोड़ी कोशिश आप भी करिए। ताली बजाना जानते हैं? हाँ हाँ जानता हूँ। कितने हाथों से बजती है? 2 हाथों से बजती है। तो बजाइए। अरे ऐसे नहीं, मेरे हाथ में बजाइए। आपके हाथ? ओ अच्छा अच्छा, समझ गया। ए ये लीजिए। नहीं नहीं, 500 रुपये। 500 रुपये? 500 से एक कम नहीं। ये ठीक है, ये लीजिए। ओके, आपका काम हो जाएगा, कल आप भाटिया जी से मिल लीजिए। थैंक यू। ये कॉमन मैन भी कितना अजीब होता है ना, रिश्वत भी देता है और थैंक यू भी बोल के जाता है। ओके, तो आपका फॉर्म फिल हो गया, प्रोसेसिंग फीस का चेक भी आ गया, बोलिए कितना उधार चाहते हैं आप? जितना मिल जाए। हाँ जितना आप दे दें। नहीं वो तो आपका काम और कमाई देख के डिसाइड करेंगे हम। ये बताइए कि काम क्या करते हैं आप? पापड़ बेचता हूँ। पापड़? जी हाँ, गजवानी है, गजवानी सन्स की पापड़ बेचने की मेरी फैक्ट्री है सर। अच्छा, किस किस चीज के पापड़ बनाते हैं आप? ये आलू के बनाता हूँ, दाल के बनाता हूँ, साबुदाने के बनाता हूँ। वेरी गुड, तो कल लेके आइएगा। क्या? पापड़। अच्छा, मतलब पापड़ देख के आप डिसाइड करेंगे कि मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या होनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट तो हम आपके इनकम टैक्स पेपर देख के बनाएंगे। तो फिर पापड़ देख के क्या बनाएंगे? सेहत। किसकी? अपनी। तभी तो आपके पेपर साइन करने की ताकत आएगी हमें। ठीक है जी, मैं कल ले आऊंगा। आप नहीं आएंगे तो मैं आ जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं आऊंगा ना, इनकम टैक्स के पेपर लेके आता हूँ। और पापड़? पापड़। जल्दी जाइए, तभी तो जल्दी आएंगे जी। यार ये ऑफिस टाइम में खाने की बातें करके मुझे भूख लग जाती है। पटेल जी सर। अरे यार बाहर से समोसे तो लाओ ठेले से जरा। पैसे? हाँ ये लो, ये मेरा क्रेडिट कार्ड दिखा देना। जल्दी जाओ यार तुम भी, मतलब पापड़ दाल के। अच्छे बनाते हो। थैंक यू सर। अब पापड़ खाने के बाद ये बताइए कि मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी होगी? भाई तुम्हारे इनकम टैक्स के पेपर देख के तो लगता है 10-12 हज़ार से ज्यादा नहीं। क्या? हाँ इनकम ही नहीं है तो कर्जा लोगे तो चुकाओगे कैसे? कर्जा को चुकाने के लिए थोड़ी लेता है। क्या? नहीं मेरा कहने का मतलब ये था कि ऐसी बात नहीं है, इनकम टैक्स के पेपर से मत जाइए, पैसा काफी है मेरे पास। अच्छा तो कितने की लिमिट कर दूं? 1-1.5 लाख की तो बनाइए। 2 लाख की कर दूं? क्या? हाँ दो काम करने होंगे। कौन कौन से? पहला पापड़ खिलाने होंगे। ठीक है। दूसरा रिश्वत। पापड़ तो मैं खिला दूंगा पर रिश्वत? यार सिर्फ 2,000 रुपए, 2 लाख की लिमिट कर दूंगा ना। तो ठीक है दिए। ठीक है परसों आके अप्रूवल ले जाओ उषा जी से। ओके। हाँ सारे पेपर्स तो ठीक है पर तुम्हें अकाउंट खोलना होगा। अकाउंट है कहाँ? बंगाल बैंक में। नहीं पर कार्ड तो हमारी कंगाल बैंक का बनेगा ना। हाँ वो तो यही का अकाउंट खोलना होगा। तो मुझे क्या करना होगा? करते क्या हो? ये पापड़ बेचता हूँ। ओ खुद बनाते हो या बनवाते हो? नहीं पहले खुद बनाता था, अब आजकल तो कारीगर वगैरह रखे हुए हैं वो बनाते हैं। वेरी गुड, मुझे सिखा दोगे? क्या पापड़ बनाना? ठीक है आप फैक्ट्री पे आ जाइए, मैं आपको सिखा दूंगा। नहीं नहीं ऑफिस के पर टाइम कहाँ मिलता है, तुम यहीं आके सिखा दो ना। मैं यहाँ यही तो, कल मैं सामान लेके आऊंगी, तुम खुद को ले आना। और अकाउंट? वो उसके लिए तो शुक्ला जी से मिलो। जी थैंक यू। हाँ हाँ बोलिए, कौन सा अकाउंट खोलना है? सेविंग जी। सिंगल या जॉइंट? सिंगल। सिंगल तो भाई साहब हमारा जो इंटरेस्ट रेट है। देखिए अब ये सब आप मुझे मत बताइए। अरे यार प्लीज बोल लेने दो ना, इसी की तो तनख्वाह खाते हैं हम लोग। मुझे इंटरेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। देखिए हमारा इंटरेस्ट इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं है कि कोई इंटरेस्टिंग आदमी उसमें इंटरेस्ट ले सके। तो फिर क्या लूं? फॉर्म भर दीजिए। तो कहाँ है फॉर्म? पटेल प्यारे। जी जी सर। बच्चा जाके दूठो पान पकड़ लाओ बाहर से। पैसे? पैसे क्या मांगते हो घड़ी घड़ी, क्रेडिट कार्ड लो ना। क्या पान भी क्रेडिट कार्ड से मंगाते हैं? अरे हुजूर कंघी से कफन तक हमारे क्रेडिट कार्ड पर मिलता, आप बोलिए क्या लेंगे। बस एक फॉर्म दे दीजिए मुझे। मतलब कार्ड लेने का? नहीं नहीं अकाउंट खोलने का। वो तो पटेल देगा। कौन सा फॉर्म दूं? अकाउंट खोलने वाला। करंट की सेविंग? सेविंग सेविंग। सिंगल की जॉइंट? जॉइंट नहीं सिंगल। लाइए। क्या लाइए? आप दो पहले, आप दीजिए तो मैं दूंगा ना। मैं क्या दूं? मैं क्या दूं? दो फॉर्म दो।
आप फीस दीजिए। अरे फॉर्म तो फ्री में होना चाहिए, फीस काहे की? यहाँ है। नहीं नहीं बैंक में, किसी बैंक में नहीं होती फीस। हाँ पर हर बैंक में मेरे जैसा प्यून नहीं होता ना सर। अच्छा नहीं दूंगा मैं, ये तो धांधली है। हाँ है। मैं नहीं दूंगा रिश्वत। अरे भी दे दीजिए, इसमें आप ही की भलाई है सर। रिश्वत देना भलाई का काम होता है? ऑफ कोर्स रिश्वत लेने से थोड़ी भलाई होती है, काम तो उसका होता है जो रिश्वत देता है। जो रिश्वत लेता है उसे तो पैसा पचता नहीं है। लाइए। तो फिर क्यों ले रहे हो? मेरा हाजमा दुरुस्त है ना, इसलिए। लाइए। मैं नहीं दूंगा। अरे भाई दे दीजिए, वरना दो बातें हो जाएगी, या तो आपको फॉर्म मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ऐसा होगा नहीं, और मिला तो दो बातें होंगी, या तो आपका अकाउंट खुलेगा या तो नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा ऐसा होगा नहीं, खुलेगा। खुलेगा तो दो बातें होंगी, या तो आपका क्रेडिट कार्ड बनेगा या तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ऐसा होगा नहीं, और बना तो दो बातें होंगी, या तो आपको कार्ड मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ऐसा होगा नहीं, लेकिन मिला तो कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा क्योंकि क्या है, आपकी फाइल तो मैं ही ऊपर चढ़ाता हूँ ना, तो इतने नीचे दबा दूंगा मैं कि आपके वहां पहुंचते पहुंचते पूरा क्रेडिट खत्म हो जाएगा। तो फिर क्रेडिट कार्ड का करोगे क्या भाई साहब? कितने दूं? 50, ना ज्यादा ना कम, नो बार्गेन फिक्स रेट। ये ले। हाँ ये लीजिए। अरे इतना बड़ा फॉर्म भरना है? हाँ पांडे जी है ना जो चाय पी। हाँ, पता है? नहीं पता। अरे दो दिन पहले तो सारी डिटेल्स दे के गया हूँ मैं आपको। क्या क्या डिटेल्स थी आपकी? यही कि मुसद्दीलाल गजवानी मेरा नाम है, 13/13 शास्त्री नगर में रहता हूँ। ओके, ये तो आपने अब बताइए, लिए मैंने भर दिया फॉर्म, आप यहाँ 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 सिग्नेचर कर दीजिए, दो फोटो चिपका दीजिए। हाँ तो उसके बाद क्या करूँ? उसके बाद गारंटर की गारंटी लेके भाटिया जी के पास जमा करा दें। गारंटर कहाँ से लेके आऊंगा मैं? आप लोग ना प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। देखिए पांडे जी, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत कहिए आप पांडे जी, मैं गारंटर कहाँ से ढूंढता फिरूंगा मैं? ओके, तो वो भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा। पर क्या? पर उसको उसके घर से बुलाना पड़ेगा, लाना ले जाना छोड़ना पड़ेगा। मेरा स्कूटर है खराब, लाने ले जाने में 200 रुपए लग जाएंगे। तो मैं दे दूंगा ना वो खर्चा सारा। नहीं नहीं आप क्यों देंगे, मैं दूंगा। नहीं नहीं मैं दूंगा। नहीं 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 मैं दूंगा बस। पांडे जी देखिए, इस बात पे बहस नहीं होगी, मैं दूंगा बस। ये लीजिए, देखिए ये 200 रुपए का खर्चा और ये 50 ऊपर, समझे आप? ओके, आपका काम हो जाएगा, आप कल भाटिया जी जाके मिल लें जी। थैंक यू वेरी मच सर। ये कॉमन मैन कभी नहीं सुधरेगा, रिश्वत भी देगा थैंक यू भी कहेगा, हमारा क्या दोनों ही रख लेते हैं। ये लो जी, ये आपका खुल गया अकाउंट जी। थैंक यू नहीं, डिपॉजिट दो। डिपॉजिट? अरे भाई अकाउंट खुलवा रहे हो, कुछ डिपॉजिट कराओगे कि नहीं कराओगे? अच्छा अच्छा हाँ, नहीं ठीक है, 100 रुपए काफी होंगे ना? दिमाग खराब हो गया है क्या, 1000 रुपए से कम कोई अकाउंट नहीं खुलता। अच्छा तो कोई बात नहीं, तो पूरी 6000 ले ली। ठीक है, कल आके पासबुक ले जाना। तो क्रेडिट कार्ड कब मिलेगा? अब ये तो उषा जी बताएंगी ना। नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। लाइए लाइए मुझे दीजिए, देखिए इसको थोड़ा ऐसे कीजिए, इसको ऐसे। आप अपने हाथ लाइए, हाथ लाइए। कहाँ? हाँ मेरे हाथ के ऊपर रखिए, अपने हाथ रखिए। अरे ये तो बन रहा है। अब आप सीख गई हैं? ऐसे ठीक है? हाँ जी, ऐसे ही। ऐसे बेलो? हाँ ऐसे बेलिए। ऐसे बेलो? हाँ ऐसे बेलिए। ऐसे? अब मैडम कैसे भी बेलिए, आप मेरा वो क्रेडिट कार्ड दे दीजिए। वो तो रेडी है। कहाँ? यहाँ। क्या? हाँ बस मुझे साइन करना है और तुम्हें। मुझे क्या? FD करानी है। क्या? हाँ सिर्फ 2 लाख। क्या बात कर रही हैं आप? अरे भाई 1.5 लाख की क्रेडिट का लिमिट है, 1000 रुपए तुम्हारे बैंक में है, तो कम से कम 2 लाख की FD तो करानी होगी ना। पूरे 2 लाख? हाँ। नहीं देखो बैंक में पैसा सुरक्षित रहता है, 7 साल में डबल। नहीं पर मैडम देखो पैसे तो ऐसे जुड़ते नहीं है ना, तो बैंक में रखोगे तो। मैं नहीं कराऊंगा FD। तो फिर क्रेडिट कार्ड क्रेडिट रह गया? ऐसा मत कहिए मैडम, प्लीज मैं 5000 रुपए और 1 महीना खर्च कर चुका हूँ। यही तो कह रही हूँ, FD करा लो ना। क्या करना होगा मैडम? वही शुक्ला जी से मिलूं? अरे तुम तो सब जानते हो जी। वो आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो पहले बोलना चाहिए था ना, फिर से बताना पड़ेगा। बस आप इतना बता दीजिए कि मैं FD का क्या करूं। फॉर्म भरिए। वो जो पटेल साहब के पास है जी। FD का फॉर्म चाहिए जी? वो मैं देता हूं, आप वो दीजिए। ये लीजिए। ये लीजिए। फॉर्म भरवाना हो तो पता है पांडे जी के पास जाना है, आप चिंता मत कीजिए। चिंता नहीं कर रहा हूँ, FD करने के लिए 2-4 फॉर्मेलिटी पूरी करनी है।
तो फॉर्मेलिटीज मैं पूरी कर देता हूँ ना। अरे क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हैं आप निश्चिंत रहिए, आपकी एफडी बन गई है। अब आप, मैं भाटिया से मिल लेता हूँ, वो पैसे भी उसी को दे देता हूँ। थैंक यू। अरे यार पहले ही एफडी करा लेते ना, खामा खा डबल मेहनत कराई। गलती हो गई भाटिया साहब। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए तो आप जितनी बार आगे पापड़ लेके ही आएंगे ना। ये लीजिए, ये एफडी के पेपर रेडी हो गए। ये जो है, उषा जी के पास पहुंचाता हूं और उनसे क्रेडिट कार्ड ले लेता हूं। अरे आपको तो सब मालूम है। ये रहा तुम्हारा क्रेडिट कार्ड और ये बीवी का फ्री। पसंद आया? इसमें से भी निकाल। ओहो, अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो तुम्हारे पैसे चाहिए भी नहीं। मेरे पास क्रेडिट कार्ड जो है, क्रेडिट मी। तो मेरे पास भी है क्रेडिट यू। क्या क्या ले आई? पूरा बाजारी खरीद लाई है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 20,000 की शॉपिंग की है। क्या? हाँ, उधार पर। अरे तो 50,000 की करती, उधार पे ही तो करनी है, हमने कौन सा वापस देना है? अरे कभी तो देंगे। अगले क्या? अरे उनका लेटर भी आया है, देखो पढ़ो। हाँ हाँ मालूम है क्या लिखा है। लिखा है बैंक में पैसे जमा कर दो। अरे मैं पागल हूँ क्या? उधार न देने के लिए लिया जाता है, मैं इसीलिए लेता हूँ, देता नहीं। अरे कभी ना कभी तो देना पड़ेगा, इतने सारे लेटर आके पड़े हैं। अरे थोड़ी देर बाद लेटर आने बंद हो जाएंगे। अच्छा? हाँ, लोग क्या है, मांगते मांगते थक जाते हैं ना, उसके बाद थोड़ा सा पैसा डाल देंगे हम बैंक में। अभी तो क्रेडिट कार्ड क्रेडिट पे चलने दो। सच? तो चलो आज रेस्टोरेंट में बाहर जाकर खाना खा के आए। 5-स्टार होटल में? हाँ। क्रेडिट कार्ड पे? ऑफ कोर्स। क्रेडिट यू, क्रेडिट मी। भाटिया जी, ये उन लोगों की लिस्ट है जिनकी क्रेडिट लिमिट खत्म हो गई है और जिन्होंने एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरा है। सबसे ऊपर मुसद्दीलाल का नाम है। यही तो, क्या करें? ऐसा करते हैं, इनके क्रेडिट पे ना क्रेडिट खत्म कर देते हैं। तभी दौड़े दौड़े आएंगे। और कार्ड पे इतना इंटरेस्ट बना दो कि सब कुछ डेबिट कर दें यहाँ आके। क्या? 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 क्या है? क्या है शुक्ला जी, ये क्या है? अरे क्रेडिट कार्ड है और क्या है? है नहीं, था। था मतलब? मतलब कल रात को 5-स्टार होटल में खाना खाने के लिए गए थे। खाना खाने गए थे? हाँ। अकेले? अकेले नहीं, मेरी बीवी भी थी मेरे साथ में। क्या क्या खाया, मेनू क्या था? अरे फाड़ में गया आपका मेनू। वहाँ पे खाना खाया तो 3,000 रुपए का बिल आया, मैंने क्रेडिट कार्ड उनको दिया तो कहने लगे ये तो खत्म हो चुका है। फिर मैंने क्रेडिट मी निकाला तो कहने लगे ये तो बहुत पहले से खत्म हो चुका है। तो फिर? फिर क्या, रात भर मैं और मेरी बीवी वहाँ पे बर्तन धोते रहे हैं। अब सुबह हुई है तो यहाँ पे आया हूँ मैं आपके पास। ये हो कैसे गया? आपने अपने कार्ड की लिमिट खत्म कर दी है। 1.5 लाख रुपए खा गए आप? वो भी सिर्फ 3 महीने में। हाँ तो ये तो क्रेडिट का ही तो कार्ड है ना। तो भैया भरना पड़ता है कि नहीं भरना? तो भर दूंगा। कब? अब उधार में ये थोड़ी बताया जाता है कि कब भरूंगा। अच्छा? हाँ, इसीलिए मैं तो कभी उधार देता ही नहीं हूँ, मैंने अपने बिजनेस में लिख के रखा हुआ है, आज नकद कल उधार। आप लोग देते हैं इसलिए? इसलिए आप? मैं क्या? 1,90,000 भर दीजिए। पर खर्चा तो 1.5 लाख रुपए का है ना। इंटरेस्ट 40,000 हुआ ना। 40,000 किस हिसाब से? इंटरेस्ट देने में हम हिसाब रखते, लेने में नहीं। मैं नहीं दूंगा पैसा। ओके, मत दीजिए आप। अरे थैंक यू, बड़ी मेहरबानी है भाई साहब आपकी। वैसे हमने ले लिया है। कहाँ से? आपकी एफडी से। क्या? हाँ। क्या? वो क्या है, हमने फॉर्म पर लिखा है कि अगर आप हमारा दिया हुआ उधार खा जाएंगे तो हम आपकी एफडी खा जाएंगे। क्या? हाँ, हम खा गए। नहीं, पर 10,000 रुपए तो बचे होंगे ना। क्रेडिट कार्ड के सर्विस चार्जेस, पेमेंट डिफॉल्ट का फाइन, कुछ तो बचा होगा। आपके अकाउंट का मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपए। क्या? हाँ। अरे तो उधार लेना बड़ा भारी पड़ गया। तभी तो किसी ने कहा है ना, क्या आज नगद कल उधार। क्या? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.